हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में यशराज फिल्म की फिल्म दम लगा के हशा से बड़े पर्दे पर लॉन्च हुई अभिनेत्री भूमिका पेंडेकर की नई फिल्म बख्शक सीधे ओटीटी पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म बख्शक में भूमिका पेंडेकर एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है। फिल्म बख्शक एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डायरेक्टर पुलकित द्वारा निर्देशित फिल्म बख्शक एक पत्रकार वैशाली सिंह की यात्रा पर आधारित है, जो राजनेताओं की सहायता से एक शक्तिशाली व्यक्ति को बेनकाब करने के मिशन पर निकलती है, क्योंकि वह एक अनाथालय के लड़कियों का शोषण करता है। निर्माताओं का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूमिका पेंडेकर ने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है और इस किरदार में वह काफी फिट बैठी हुई लग रही है। फिल्म की कहानी एक अनाथालय पर बेस्ड है, जहाँ अनाथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भूमि उसका पर्दाफाश करना चाहती है। इसलिए दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। फिल्म दम लगा के हशा के बाद भूमिका पेंडेकर फिल्म बख्शक में एक बार फिर संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही है। वही कहती है, संजय मिश्रा मेरे लिए लकी चांस है। करियर की शुरुआत में आपकी ज़िंदगी से जो लोग जुड़े होते हैं वह आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जब गौरव वर्मा फिल्म के निर्माता ने बताया कि फिल्म में संजय मिश्रा है तो उनके साथ एक बार फिर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। फिल्म में वह एक अकेले इंसान है जो यह समझते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। फिल्म बख्शक का निर्देशक पुलकित ने किया है। फिल्म बख्शक का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन रेड चिल्ली के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा ने किया है। इस फिल्म में भूमिका पेंडेकर और संजय मिश्रा के अलावा आदित्य श्रीवास्तव और सही तामलकर मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म के निर्देशक पुलकित कहते हैं, फिल्म बख्शक के माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज की कठोर वास्तविकताओं को दिखाना है, बदलाव लाने वाली बातचीत को बढ़ावा देना है। मैं इसमें और अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहा हूँ। यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यशराज फिल्म की फिल्म दम लगा के हशा से बड़े पर्दे पर लॉन्च हुई अभिनेत्री भूमिका पेंडेकर की नई फिल्म बख्शक सीधे ओटीटी पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म बख्शक में भूमिका पेंडेकर एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है। फिल्म बख्शक एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डायरेक्टर पुलकित द्वारा निर्देशित फिल्म बख्शक एक पत्रकार वैशाली सिंह की यात्रा पर आधारित है, जो राजनेताओं की सहायता से एक शक्तिशाली व्यक्ति को बेनकाब करने के मिशन पर निकलती है, क्योंकि वह एक अनाथालय के लड़कियों का शोषण करता है। निर्माताओं का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूमिका पेंडेकर ने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है और इस किरदार में वह काफी फिट बैठी हुई लग रही है। फिल्म की कहानी एक अनाथालय पर बेस्ड है, जहाँ अनाथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भूमि उसका पर्दाफाश करना चाहती है। इसलिए दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। फिल्म दम लगा के हशा के बाद भूमिका पेंडेकर फिल्म बख्शक में एक बार फिर संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही है। वही कहती है, संजय मिश्रा मेरे लिए लकी चांस है। करियर की शुरुआत में आपकी ज़िंदगी से जो लोग जुड़े होते हैं वह आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जब गौरव वर्मा फिल्म के निर्माता ने बताया कि फिल्म में संजय मिश्रा है तो उनके साथ एक बार फिर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। फिल्म में वह एक अकेले इंसान है जो यह समझते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। फिल्म बख्शक का निर्देशक पुलकित ने किया है। फिल्म बख्शक का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन रेड चिल्ली के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा ने किया है। इस फिल्म में भूमिका पेंडेकर और संजय मिश्रा के अलावा आदित्य श्रीवास्तव और सही तामलकर मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म के निर्देशक
पुलकित कहते हैं, फिल्म भक्षक के माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज की कठोर वास्तविकताओं को दिखाना है, बदलाव लाने वाली बातचीत को बढ़ावा देना है। मैं इसमें और अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहा हूँ। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यशराज फिल्म की फिल्म दम लगा के हर्षा से बड़े पर्दे पर लॉन्च हुई अभिनेत्री भूमिका पेंडेकर की नई फिल्म भक्षक सीधे OTT पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भक्षक में भूमिका पेंडेकर एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है। फिल्म भक्षक एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डायरेक्टर पुलकित द्वारा निर्देशित फिल्म भक्षक एक पत्रकार वैशाली सिंह की यात्रा पर आधारित है, जो राजनेताओं की सहायता से एक शक्तिशाली व्यक्ति को बेनकाब करने के मिशन पर निकलती है, क्योंकि वह एक अनाथालय के लड़कियों का शोषण करता है। निर्माताओं का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूमिका पेंडेकर ने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है और इस किरदार में वह काफी फिट बैठी हुई लग रही है। फिल्म की कहानी एक अनाथालय पर बेस्ड है, जहाँ अनाथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भूमि उसका पर्दाफाश करना चाहती है। इसलिए दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। फिल्म दम लगा के हर्षा के बाद भूमिका पेंडेकर फिल्म भक्षक में एक बार फिर संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही है। वही कहती है, संजय मिश्रा मेरे लिए लकी चांस है। करियर की शुरुआत में आपकी जिंदगी से जो लोग जुड़े होते हैं वह आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जब गौरव वर्मा फिल्म के निर्माता ने बताया कि फिल्म में संजय मिश्रा है, तो उनके साथ एक बार फिर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। फिल्म में वह एक अकेले इंसान है जो यह समझते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। फिल्म भक्षक का निर्देशक पुलकित ने किया है। फिल्म भक्षक का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन रेड चिल्ली के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा ने किया है। इस फिल्म में भूमिका पेंडेकर और संजय मिश्रा के अलावा आदित्य श्रीवास्तव और सही तामलकर मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म के निर्देशक पुलकित कहते हैं, फिल्म भक्षक के माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज की कठोर वास्तविकताओं को दिखाना है, बदलाव लाने वाली बातचीत को बढ़ावा देना है। मैं इसमें और अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहा हूँ। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यशराज फिल्म की फिल्म दम लगा के हर्षा से बड़े पर्दे पर लॉन्च हुई अभिनेत्री भूमिका पेंडेकर की नई फिल्म भक्षक सीधे OTT पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भक्षक में भूमिका पेंडेकर एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है। फिल्म भक्षक एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डायरेक्टर पुलकित द्वारा निर्देशित फिल्म भक्षक एक पत्रकार वैशाली सिंह की यात्रा पर आधारित है, जो राजनेताओं की सहायता से एक शक्तिशाली व्यक्ति को बेनकाब करने के मिशन पर निकलती है, क्योंकि वह एक अनाथालय के लड़कियों का शोषण करता है। निर्माताओं का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूमिका पेंडेकर ने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है और इस किरदार में वह काफी फिट बैठी हुई लग रही है। फिल्म की कहानी एक अनाथालय पर बेस्ड है, जहाँ अनाथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भूमि उसका पर्दाफाश करना चाहती है। इसलिए दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। फिल्म दम लगा के हर्षा के बाद भूमिका पेंडेकर फिल्म भक्षक में एक बार फिर संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही है। वही कहती है, संजय मिश्रा मेरे लिए लकी चांस है। करियर की शुरुआत में आपकी जिंदगी से जो लोग जुड़े होते हैं वह आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जब गौरव वर्मा फिल्म के निर्माता ने बताया कि फिल्म में संजय मिश्रा है, तो उनके साथ एक बार फिर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। फिल्म में वह एक अकेले इंसान है जो यह समझते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ।
फिल्म भक्षक का निर्देशक पुलकित ने किया है। फिल्म भक्षक का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन रेड चिल्ली के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा ने किया है। इस फिल्म में भूमिका पेंडेकर और संजय मिश्रा के अलावा आदित्य श्रीवास्तव और सही तामलकर मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म के निर्देशक पुलकित कहते हैं, फिल्म भक्षक के माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज की कठोर वास्तविकताओं को दिखाना है, बदलाव लाने वाली बातचीत को बढ़ावा देना है। मैं इसमें और अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहा हूँ। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यशराज फिल्म की फिल्म दम लगा के हर्षा से बड़े पर्दे पर लॉन्च हुई अभिनेत्री भूमिका पेंडेकर की नई फिल्म भक्षक सीधे OTT पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भक्षक में भूमिका पेंडेकर एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है। फिल्म भक्षक एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डायरेक्टर पुलकित द्वारा निर्देशित फिल्म भक्षक एक पत्रकार वैशाली सिंह की यात्रा पर आधारित है, जो राजनेताओं की सहायता से एक शक्तिशाली व्यक्ति को बेनकाब करने के मिशन पर निकलती है, क्योंकि वह एक अनाथालय के लड़कियों का शोषण करता है। निर्माताओं का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूमिका पेंडेकर ने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है और इस किरदार में वह काफी फिट बैठी हुई लग रही है। फिल्म की कहानी एक अनाथालय पर बेस्ड है, जहाँ अनाथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भूमि उसका पर्दाफाश करना चाहती है। इसलिए दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। फिल्म दम लगा के हर्षा के बाद भूमिका पेंडेकर फिल्म भक्षक में एक बार फिर संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही है। वही कहती है, संजय मिश्रा मेरे लिए लकी चांस है। करियर की शुरुआत में आपकी जिंदगी से जो लोग जुड़े होते हैं वह आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जब गौरव वर्मा फिल्म के निर्माता ने बताया कि फिल्म में संजय मिश्रा है, तो उनके साथ एक बार फिर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। फिल्म में वह एक अकेले इंसान है जो यह समझते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। फिल्म भक्षक का निर्देशक पुलकित ने किया है। फिल्म भक्षक का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन रेड चिल्ली के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा ने किया है। इस फिल्म में भूमिका पेंडेकर और संजय मिश्रा के अलावा आदित्य श्रीवास्तव और सही तामलकर मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म के निर्देशक पुलकित कहते हैं, फिल्म भक्षक के माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज की कठोर वास्तविकताओं को दिखाना है, बदलाव लाने वाली बातचीत को बढ़ावा देना है। मैं इसमें और अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहा हूँ। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यशराज फिल्म की फिल्म दम लगा के हर्षा से बड़े पर्दे पर लॉन्च हुई अभिनेत्री भूमिका पेंडेकर की नई फिल्म भक्षक सीधे OTT पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भक्षक में भूमिका पेंडेकर एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है। फिल्म भक्षक एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डायरेक्टर पुलकित द्वारा निर्देशित फिल्म भक्षक एक पत्रकार वैशाली सिंह की यात्रा पर आधारित है, जो राजनेताओं की सहायता से एक शक्तिशाली व्यक्ति को बेनकाब करने के मिशन पर निकलती है, क्योंकि वह एक अनाथालय के लड़कियों का शोषण करता है। निर्माताओं का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूमिका पेंडेकर ने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है और इस किरदार में वह काफी फिट बैठी हुई लग रही है। फिल्म की कहानी एक अनाथालय पर बेस्ड है, जहाँ अनाथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भूमि उसका पर्दाफाश करना चाहती है। इसलिए दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। फिल्म दम लगा के हर्षा के बाद भूमिका पेंडेकर फिल्म भक्षक में एक बार फिर संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही है। वही कहती है, संजय मिश्रा मेरे लिए लकी चांस है। करियर की शुरुआत में
आपकी ज़िंदगी से जो लोग जुड़े होते हैं वह आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जब गौरव वर्मा फिल्म के निर्माता ने बताया कि फिल्म में संजय मिश्रा है तो उनके साथ एक बार फिर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। फिल्म में वह एक अकेले इंसान है जो यह समझते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। फिल्म भक्षक का निर्देशक पुलकित ने किया है। फिल्म भक्षक का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन रेड चिली के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा ने किया है। इस फिल्म में भूमिका पेंडेकर और संजय मिश्रा के अलावा आदित्य श्रीवास्तव और सही तामलकर मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म के निर्देशक पुलकित कहते हैं, फिल्म भक्षक के माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज की कठोर वास्तविकताओं को दिखाना है, बदलाव लाने वाली बातचीत को बढ़ावा देना है। मैं इसमें और अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहा हूँ। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यशराज फिल्म की फिल्म दम लगा के हाशिया से बड़े पर्दे पर लॉन्च हुई अभिनेत्री भूमिका पेंडेकर की नई फिल्म भक्षक सीधे OTT पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भक्षक में भूमिका पेंडेकर एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है। फिल्म भक्षक एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डायरेक्टर पुलकित द्वारा निर्देशित फिल्म भक्षक एक पत्रकार वैशाली सिंह की यात्रा पर आधारित है, जो राजनेताओं की सहायता से एक शक्तिशाली व्यक्ति को बेनकाब करने के मिशन पर निकलती है, क्योंकि वह एक अनाथालय के लड़कियों का शोषण करता है। निर्माताओं का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूमिका पेंडेकर ने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है और इस किरदार में वह काफी फिट बैठी हुई लग रही है। फिल्म की कहानी एक अनाथालय पर बेस्ड है, जहाँ अनाथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भूमि उसका पर्दाफाश करना चाहती है। इसलिए दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। फिल्म दम लगा के हाशिया के बाद भूमिका पेंडेकर फिल्म भक्षक में एक बार फिर संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही है। वही कहती है, संजय मिश्रा मेरे लिए लकी चांस है। करियर की शुरुआत में आपकी ज़िंदगी से जो लोग जुड़े होते हैं वह आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जब गौरव वर्मा फिल्म के निर्माता ने बताया कि फिल्म में संजय मिश्रा है तो उनके साथ एक बार फिर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। फिल्म में वह एक अकेले इंसान है जो यह समझते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। फिल्म भक्षक का निर्देशक पुलकित ने किया है। फिल्म भक्षक का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन रेड चिली के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा ने किया है। इस फिल्म में भूमिका पेंडेकर और संजय मिश्रा के अलावा आदित्य श्रीवास्तव और सही तामलकर मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म के निर्देशक पुलकित कहते हैं, फिल्म भक्षक के माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज की कठोर वास्तविकताओं को दिखाना है, बदलाव लाने वाली बातचीत को बढ़ावा देना है। मैं इसमें और अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहा हूँ। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यशराज फिल्म की फिल्म दम लगा के हाशिया से बड़े पर्दे पर लॉन्च हुई अभिनेत्री भूमिका पेंडेकर की नई फिल्म भक्षक सीधे OTT पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भक्षक में भूमिका पेंडेकर एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है। फिल्म भक्षक एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डायरेक्टर पुलकित द्वारा निर्देशित फिल्म भक्षक एक पत्रकार वैशाली सिंह की यात्रा पर आधारित है, जो राजनेताओं की सहायता से एक शक्तिशाली व्यक्ति को बेनकाब करने के मिशन पर निकलती है, क्योंकि वह एक अनाथालय के लड़कियों का शोषण करता है। निर्माताओं का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूमिका पेंडेकर ने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है और इस किरदार में वह काफी फिट बैठी हुई लग रही है। फिल्म की कहानी एक अनाथालय पर बेस्ड है, जहाँ अनाथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भूमि उसका पर्दाफाश करना चाहती है। इसलिए
दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। फिल्म दम लगा के हर्षा के बाद भूमिका पेंडेकर फिल्म भक्षक में एक बार फिर संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही है। वही कहती है, संजय मिश्रा मेरे लिए लकी चांस है। करियर की शुरुआत में आपकी जिंदगी से जो लोग जुड़े होते हैं वह आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जब गौरव वर्मा फिल्म के निर्माता ने बताया कि फिल्म में संजय मिश्रा है तो उनके साथ एक बार फिर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। फिल्म में वह एक अकेले इंसान है जो यह समझते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। फिल्म भक्षक का निर्देशक पुलकित ने किया है। फिल्म भक्षक का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन रेड चिल्ली के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा ने किया है। इस फिल्म में भूमिका पेंडेकर और संजय मिश्रा के अलावा आदित्य श्रीवास्तव और सही तामलकर मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म के निर्देशक पुलकित कहते हैं, फिल्म भक्षक के माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज की कठोर वास्तविकताओं को दिखाना है, बदलाव लाने वाली बातचीत को बढ़ावा देना है। मैं इसमें और अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहा हूँ। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यशराज फिल्म की फिल्म दम लगा के हर्षा से बड़े पर्दे पर लॉन्च हुई अभिनेत्री भूमिका पेंडेकर की नई फिल्म भक्षक सीधे OTT पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भक्षक में भूमिका पेंडेकर एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है। फिल्म भक्षक एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डायरेक्टर पुलकित द्वारा निर्देशित फिल्म भक्षक एक पत्रकार वैशाली सिंह की यात्रा पर आधारित है, जो राजनेताओं की सहायता से एक शक्तिशाली व्यक्ति को बेनकाब करने के मिशन पर निकलती है, क्योंकि वह एक अनाथालय के लड़कियों का शोषण करता है। निर्माताओं का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूमिका पेंडेकर ने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है और इस किरदार में वह काफी फिट बैठी हुई लग रही है। फिल्म की कहानी एक अनाथालय पर बेस्ड है, जहाँ अनाथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भूमि उसका पर्दाफाश करना चाहती है। इसलिए दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। फिल्म दम लगा के हर्षा के बाद भूमिका पेंडेकर फिल्म भक्षक में एक बार फिर संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही है। वही कहती है, संजय मिश्रा मेरे लिए लकी चांस है। करियर की शुरुआत में आपकी जिंदगी से जो लोग जुड़े होते हैं वह आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जब गौरव वर्मा फिल्म के निर्माता ने बताया कि फिल्म में संजय मिश्रा है तो उनके साथ एक बार फिर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। फिल्म में वह एक अकेले इंसान है जो यह समझते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। फिल्म भक्षक का निर्देशक पुलकित ने किया है। फिल्म भक्षक का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन रेड चिल्ली के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा ने किया है। इस फिल्म में भूमिका पेंडेकर और संजय मिश्रा के अलावा आदित्य श्रीवास्तव और सही तामलकर मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म के निर्देशक पुलकित कहते हैं, फिल्म भक्षक के माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज की कठोर वास्तविकताओं को दिखाना है, बदलाव लाने वाली बातचीत को बढ़ावा देना है। मैं इसमें और अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहा हूँ। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यशराज फिल्म की फिल्म दम लगा के हर्षा से बड़े पर्दे पर लॉन्च हुई अभिनेत्री भूमिका पेंडेकर की नई फिल्म भक्षक सीधे OTT पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भक्षक में भूमिका पेंडेकर एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है। फिल्म भक्षक एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डायरेक्टर पुलकित द्वारा निर्देशित फिल्म भक्षक एक पत्रकार वैशाली सिंह की यात्रा पर आधारित है, जो राजनेताओं की सहायता से एक शक्तिशाली व्यक्ति को बेनकाब करने के मिशन पर निकलती है, क्योंकि वह एक अनाथालय के लड़कियों का शोषण करता है।
निर्माताओं का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूमिका पेंडेकर ने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है और इस किरदार में वह काफी फिट बैठी हुई लग रही है। फिल्म की कहानी एक अनाथ तलय पर बेस्ड है, जहां अनाथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भूमि उसका पर्दाफाश करना चाहती है, इसलिए दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। फिल्म दम लगा के हर्षा के बाद भूमिका पेंडेकर फिल्म भक्षक में एक बार फिर संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही है। वही कहती है, संजय मिश्रा मेरे लिए लकी चांस है। करियर की शुरुआत में आपकी जिंदगी से जो लोग जुड़े होते हैं वह आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जब गौरव वर्मा फिल्म के निर्माता ने बताया कि फिल्म में संजय मिश्रा है तो उनके साथ एक बार फिर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। फिल्म में वह एक अकेले इंसान है जो यह समझते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। फिल्म भक्षक का निर्देशक पुलकित ने किया है। फिल्म भक्षक का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन रेड चिल्ली के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा ने किया है। इस फिल्म में भूमिका पेंडेकर और संजय मिश्रा के अलावा आदित्य श्रीवास्तव और सही तामलकर मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म के निर्देशक पुलकित कहते हैं, फिल्म भक्षक के माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज की कठोर वास्तविकताओं को दिखाना है, बदलाव लाने वाली बातचीत को बढ़ावा देना है। मैं इसमें और अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहा हूँ। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यशराज फिल्म की फिल्म दम लगा के हर्षा से बड़े पर्दे पर लॉन्च हुई अभिनेत्री भूमिका पेंडेकर की नई फिल्म भक्षक सीधे OTT पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भक्षक में भूमिका पेंडेकर एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है। फिल्म भक्षक एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डायरेक्टर पुलकित द्वारा निर्देशित फिल्म भक्षक एक पत्रकार वैशाली सिंह की यात्रा पर आधारित है, जो राजनेताओं की सहायता से एक शक्तिशाली व्यक्ति को बेनकाब करने के मिशन पर निकलती है, क्योंकि वह एक अनाथालय के लड़कियों का शोषण करता है। निर्माताओं का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूमिका पेंडेकर ने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है और इस किरदार में वह काफी फिट बैठी हुई लग रही है। फिल्म की कहानी एक अनाथ तलय पर बेस्ड है, जहां अनाथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भूमि उसका पर्दाफाश करना चाहती है, इसलिए दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। फिल्म दम लगा के हर्षा के बाद भूमिका पेंडेकर फिल्म भक्षक में एक बार फिर संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही है। वही कहती है, संजय मिश्रा मेरे लिए लकी चांस है। करियर की शुरुआत में आपकी जिंदगी से जो लोग जुड़े होते हैं वह आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जब गौरव वर्मा फिल्म के निर्माता ने बताया कि फिल्म में संजय मिश्रा है तो उनके साथ एक बार फिर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। फिल्म में वह एक अकेले इंसान है जो यह समझते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। फिल्म भक्षक का निर्देशक पुलकित ने किया है। फिल्म भक्षक का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन रेड चिल्ली के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा ने किया है। इस फिल्म में भूमिका पेंडेकर और संजय मिश्रा के अलावा आदित्य श्रीवास्तव और सही तामलकर मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म के निर्देशक पुलकित कहते हैं, फिल्म भक्षक के माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज की कठोर वास्तविकताओं को दिखाना है, बदलाव लाने वाली बातचीत को बढ़ावा देना है। मैं इसमें और अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहा हूँ। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यशराज फिल्म की फिल्म दम लगा के हर्षा से बड़े पर्दे पर लॉन्च हुई अभिनेत्री भूमिका पेंडेकर की नई फिल्म भक्षक सीधे OTT पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भक्षक में भूमिका पेंडेकर एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है।
फिल्म बख्शक एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डायरेक्टर पुलकित द्वारा निर्देशित फिल्म बख्शक एक पत्रकार वैशाली सिंह की यात्रा पर आधारित है, जो राजनेताओं की सहायता से एक शक्तिशाली व्यक्ति को बेनकाब करने के मिशन पर निकलती है, क्योंकि वह एक अनाथालय के लड़कियों का शोषण करता है। निर्माताओं का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूमिका पेंडेकर ने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है और इस किरदार में वह काफी फिट बैठी हुई लग रही है। फिल्म की कहानी एक अनाथालय पर बेस्ड है, जहां अनाथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भूमि उसका पर्दाफाश करना चाहती है, इसलिए दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। फिल्म दम लगा के हर्षा के बाद भूमिका पेंडेकर फिल्म भक्षक में एक बार फिर संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही है। वही कहती है, संजय मिश्रा मेरे लिए लकी चांस है। करियर की शुरुआत में आपकी जिंदगी से जो लोग जुड़े होते हैं वह आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जब गौरव वर्मा फिल्म के निर्माता ने बताया कि फिल्म में संजय मिश्रा है तो उनके साथ एक बार फिर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। फिल्म में वह एक अकेले इंसान है जो यह समझते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। फिल्म भक्षक का निर्देशक पुलकित ने किया है। फिल्म भक्षक का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन रेड चिल्ली के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा ने किया है। इस फिल्म में भूमिका पेंडेकर और संजय मिश्रा के अलावा आदित्य श्रीवास्तव और सही तामलकर मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म के निर्देशक पुलकित कहते हैं, फिल्म भक्षक के माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज की कठोर वास्तविकताओं को दिखाना है, बदलाव लाने वाली बातचीत को बढ़ावा देना है। मैं इसमें और अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहा हूँ। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यशराज फिल्म की फिल्म दम लगा के हर्षा से बड़े पर्दे पर लॉन्च हुई अभिनेत्री भूमिका पेंडेकर की नई फिल्म बख्शक सीधे OTT पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म बख्शक में भूमिका पेंडेकर एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है। फिल्म बख्शक एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डायरेक्टर पुलकित द्वारा निर्देशित फिल्म बख्शक एक पत्रकार वैशाली सिंह की यात्रा पर आधारित है, जो राजनेताओं की सहायता से एक शक्तिशाली व्यक्ति को बेनकाब करने के मिशन पर निकलती है, क्योंकि वह एक अनाथालय के लड़कियों का शोषण करता है। निर्माताओं का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूमिका पेंडेकर ने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है और इस किरदार में वह काफी फिट बैठी हुई लग रही है। फिल्म की कहानी एक अनाथालय पर बेस्ड है, जहां अनाथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भूमि उसका पर्दाफाश करना चाहती है, इसलिए दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। फिल्म दम लगा के हर्षा के बाद भूमिका पेंडेकर फिल्म भक्षक में एक बार फिर संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही है। वही कहती है, संजय मिश्रा मेरे लिए लकी चांस है। करियर की शुरुआत में आपकी जिंदगी से जो लोग जुड़े होते हैं वह आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जब गौरव वर्मा फिल्म के निर्माता ने बताया कि फिल्म में संजय मिश्रा है तो उनके साथ एक बार फिर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। फिल्म में वह एक अकेले इंसान है जो यह समझते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। फिल्म भक्षक का निर्देशक पुलकित ने किया है। फिल्म भक्षक का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन रेड चिल्ली के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा ने किया है। इस फिल्म में भूमिका पेंडेकर और संजय मिश्रा के अलावा आदित्य श्रीवास्तव और सही तामलकर मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म के निर्देशक पुलकित कहते हैं, फिल्म भक्षक के माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज की कठोर वास्तविकताओं को दिखाना है, बदलाव लाने वाली बातचीत को बढ़ावा देना है। मैं इसमें और अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहा हूँ। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी।
अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यशराज फिल्म की फिल्म दम लगा के हर्षा से बड़े पर्दे पर लॉन्च हुई अभिनेत्री भूमिका पेंडेकर की नई फिल्म बख्शक सीधे ओटीटी पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म बख्शक में भूमिका पेंडेकर एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है। फिल्म बख्शक एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डायरेक्टर पुलकित द्वारा निर्देशित फिल्म बख्शक एक पत्रकार वैशाली सिंह की यात्रा पर आधारित है, जो राजनेताओं की सहायता से एक शक्तिशाली व्यक्ति को बेनकाब करने के मिशन पर निकलती है, क्योंकि वह एक अनाथालय के लड़कियों का शोषण करता है। निर्माताओं का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूमिका पेंडेकर ने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है और इस किरदार में वह काफी फिट बैठी हुई लग रही है। फिल्म की कहानी एक अनाथालय पर बेस्ड है, जहाँ अनाथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भूमि उसका पर्दाफाश करना चाहती है, इसलिए दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। फिल्म दम लगा के हर्षा के बाद भूमिका पेंडेकर फिल्म बख्शक में एक बार फिर संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही है। वही कहती है, संजय मिश्रा मेरे लिए लकी चांस है। करियर की शुरुआत में आपकी जिंदगी से जो लोग जुड़े होते हैं वह आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जब गौरव वर्मा फिल्म के निर्माता ने बताया कि फिल्म में संजय मिश्रा है तो उनके साथ एक बार फिर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। फिल्म में वह एक अकेले इंसान है जो यह समझते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। फिल्म बख्शक का निर्देशक पुलकित ने किया है। फिल्म बख्शक का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन रेड चिल्ली के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा ने किया है। इस फिल्म में भूमिका पेंडेकर और संजय मिश्रा के अलावा आदित्य श्रीवास्तव और सही तामलकर मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म के निर्देशक पुलकित कहते हैं, फिल्म बख्शक के माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज की कठोर वास्तविकताओं को दिखाना है, बदलाव लाने वाली बातचीत को बढ़ावा देना है। मैं इसमें और अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहा हूँ। यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यशराज फिल्म की फिल्म दम लगा के हर्षा से बड़े पर्दे पर लॉन्च हुई अभिनेत्री भूमिका पेंडेकर की नई फिल्म बख्शक सीधे ओटीटी पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म बख्शक में भूमिका पेंडेकर एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है। फिल्म बख्शक एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डायरेक्टर पुलकित द्वारा निर्देशित फिल्म बख्शक एक पत्रकार वैशाली सिंह की यात्रा पर आधारित है, जो राजनेताओं की सहायता से एक शक्तिशाली व्यक्ति को बेनकाब करने के मिशन पर निकलती है, क्योंकि वह एक अनाथालय के लड़कियों का शोषण करता है। निर्माताओं का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूमिका पेंडेकर ने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है और इस किरदार में वह काफी फिट बैठी हुई लग रही है। फिल्म की कहानी एक अनाथालय पर बेस्ड है, जहाँ अनाथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भूमि उसका पर्दाफाश करना चाहती है, इसलिए दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। फिल्म दम लगा के हर्षा के बाद भूमिका पेंडेकर फिल्म बख्शक में एक बार फिर संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही है। वही कहती है, संजय मिश्रा मेरे लिए लकी चांस है। करियर की शुरुआत में आपकी जिंदगी से जो लोग जुड़े होते हैं वह आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जब गौरव वर्मा फिल्म के निर्माता ने बताया कि फिल्म में संजय मिश्रा है तो उनके साथ एक बार फिर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। फिल्म में वह एक अकेले इंसान है जो यह समझते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। फिल्म बख्शक का निर्देशक पुलकित ने किया है। फिल्म बख्शक का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन रेड चिल्ली के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा ने किया है। इस फिल्म में भूमिका पेंडेकर और संजय मिश्रा के अलावा आदित्य श्रीवास्तव और सही तामलकर मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म के निर्देशक
फुलकित कहते हैं, फिल्म भक्षक के माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज की कठोर वास्तविकताओं को दिखाना है, बदलाव लाने वाली बातचीत को बढ़ावा देना है। मैं इसमें और अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहा हूँ। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यशराज फिल्म की फिल्म दम लगा के हर्षा से बड़े पर्दे पर लॉन्च हुई अभिनेत्री भूमिका पेंडेकर की नई फिल्म भक्षक सीधे OTT पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भक्षक में भूमिका पेंडेकर एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है। फिल्म भक्षक एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डायरेक्टर पुलकित द्वारा निर्देशित फिल्म भक्षक एक पत्रकार वैशाली सिंह की यात्रा पर आधारित है, जो राजनेताओं की सहायता से एक शक्तिशाली व्यक्ति को बेनकाब करने के मिशन पर निकलती है, क्योंकि वह एक अनाथालय के लड़कियों का शोषण करता है। निर्माताओं का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूमिका पेंडेकर ने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है और इस किरदार में वह काफी फिट बैठी हुई लग रही है। फिल्म की कहानी एक अनाथालय पर बेस्ड है, जहाँ अनाथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भूमि उसका पर्दाफाश करना चाहती है, इसलिए दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। फिल्म दम लगा के हर्षा के बाद भूमिका पेंडेकर फिल्म भक्षक में एक बार फिर संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही है। वही कहती है, संजय मिश्रा मेरे लिए लकी चांस है। करियर की शुरुआत में आपकी जिंदगी से जो लोग जुड़े होते हैं वह आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जब गौरव वर्मा फिल्म के निर्माता ने बताया कि फिल्म में संजय मिश्रा है, तो उनके साथ एक बार फिर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। फिल्म में वह एक अकेले इंसान है जो यह समझते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। फिल्म भक्षक का निर्देशक पुलकित ने किया है। फिल्म भक्षक का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन रेड चिल्ली के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा ने किया है। इस फिल्म में भूमिका पेंडेकर और संजय मिश्रा के अलावा आदित्य श्रीवास्तव और सही तामलकर मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म के निर्देशक पुलकित कहते हैं, फिल्म भक्षक के माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज की कठोर वास्तविकताओं को दिखाना है, बदलाव लाने वाली बातचीत को बढ़ावा देना है। मैं इसमें और अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहा हूँ। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यशराज फिल्म की फिल्म दम लगा के हर्षा से बड़े पर्दे पर लॉन्च हुई अभिनेत्री भूमिका पेंडेकर की नई फिल्म भक्षक सीधे OTT पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भक्षक में भूमिका पेंडेकर एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है। फिल्म भक्षक एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डायरेक्टर पुलकित द्वारा निर्देशित फिल्म भक्षक एक पत्रकार वैशाली सिंह की यात्रा पर आधारित है, जो राजनेताओं की सहायता से एक शक्तिशाली व्यक्ति को बेनकाब करने के मिशन पर निकलती है, क्योंकि वह एक अनाथालय के लड़कियों का शोषण करता है। निर्माताओं का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूमिका पेंडेकर ने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है और इस किरदार में वह काफी फिट बैठी हुई लग रही है। फिल्म की कहानी एक अनाथालय पर बेस्ड है, जहाँ अनाथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भूमि उसका पर्दाफाश करना चाहती है, इसलिए दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। फिल्म दम लगा के हर्षा के बाद भूमिका पेंडेकर फिल्म भक्षक में एक बार फिर संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही है। वही कहती है, संजय मिश्रा मेरे लिए लकी चांस है। करियर की शुरुआत में आपकी जिंदगी से जो लोग जुड़े होते हैं वह आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जब गौरव वर्मा फिल्म के निर्माता ने बताया कि फिल्म में संजय मिश्रा है, तो उनके साथ एक बार फिर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। फिल्म में वह एक अकेले इंसान है जो यह समझते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ।
फिल्म भक्षक का निर्देशक पुलकित ने किया है। फिल्म भक्षक का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन रेड चिल्ली के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा ने किया है। इस फिल्म में भूमिका पेंडेकर और संजय मिश्रा के अलावा आदित्य श्रीवास्तव और सही तामलकर मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म के निर्देशक पुलकित कहते हैं, फिल्म भक्षक के माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज की कठोर वास्तविकताओं को दिखाना है, बदलाव लाने वाली बातचीत को बढ़ावा देना है। मैं इसमें और अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहा हूँ। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यशराज फिल्म की फिल्म दम लगा के हर्षा से बड़े पर्दे पर लॉन्च हुई अभिनेत्री भूमिका पेंडेकर की नई फिल्म भक्षक सीधे OTT पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भक्षक में भूमिका पेंडेकर एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है। फिल्म भक्षक एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डायरेक्टर पुलकित द्वारा निर्देशित फिल्म भक्षक एक पत्रकार वैशाली सिंह की यात्रा पर आधारित है, जो राजनेताओं की सहायता से एक शक्तिशाली व्यक्ति को बेनकाब करने के मिशन पर निकलती है, क्योंकि वह एक अनाथालय के लड़कियों का शोषण करता है। निर्माताओं का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूमिका पेंडेकर ने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है और इस किरदार में वह काफी फिट बैठी हुई लग रही है। फिल्म की कहानी एक अनाथालय पर बेस्ड है, जहाँ अनाथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भूमि उसका पर्दाफाश करना चाहती है। इसलिए दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। फिल्म दम लगा के हर्षा के बाद भूमिका पेंडेकर फिल्म भक्षक में एक बार फिर संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही है। वही कहती है, संजय मिश्रा मेरे लिए लकी चांस है। करियर की शुरुआत में आपकी जिंदगी से जो लोग जुड़े होते हैं वह आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जब गौरव वर्मा फिल्म के निर्माता ने बताया कि फिल्म में संजय मिश्रा है, तो उनके साथ एक बार फिर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। फिल्म में वह एक अकेले इंसान है जो यह समझते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। फिल्म भक्षक का निर्देशक पुलकित ने किया है। फिल्म भक्षक का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन रेड चिल्ली के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा ने किया है। इस फिल्म में भूमिका पेंडेकर और संजय मिश्रा के अलावा आदित्य श्रीवास्तव और सही तामलकर मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म के निर्देशक पुलकित कहते हैं, फिल्म भक्षक के माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज की कठोर वास्तविकताओं को दिखाना है, बदलाव लाने वाली बातचीत को बढ़ावा देना है। मैं इसमें और अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहा हूँ। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यशराज फिल्म की फिल्म दम लगा के हर्षा से बड़े पर्दे पर लॉन्च हुई अभिनेत्री भूमिका पेंडेकर की नई फिल्म भक्षक सीधे OTT पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भक्षक में भूमिका पेंडेकर एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है। फिल्म भक्षक एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डायरेक्टर पुलकित द्वारा निर्देशित फिल्म भक्षक एक पत्रकार वैशाली सिंह की यात्रा पर आधारित है, जो राजनेताओं की सहायता से एक शक्तिशाली व्यक्ति को बेनकाब करने के मिशन पर निकलती है, क्योंकि वह एक अनाथालय के लड़कियों का शोषण करता है। निर्माताओं का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूमिका पेंडेकर ने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है और इस किरदार में वह काफी फिट बैठी हुई लग रही है। फिल्म की कहानी एक अनाथालय पर बेस्ड है, जहाँ अनाथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भूमि उसका पर्दाफाश करना चाहती है। इसलिए दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। फिल्म दम लगा के हर्षा के बाद भूमिका पेंडेकर फिल्म भक्षक में एक बार फिर संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही है। वही कहती है, संजय मिश्रा मेरे लिए लकी चांस है। करियर की शुरुआत में
आपकी ज़िंदगी से जो लोग जुड़े होते हैं वह आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जब गौरव वर्मा फिल्म के निर्माता ने बताया कि फिल्म में संजय मिश्रा है तो उनके साथ एक बार फिर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। फिल्म में वह एक अकेले इंसान है जो यह समझते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। फिल्म भक्षक का निर्देशक पुलकित ने किया है। फिल्म भक्षक का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन रेड चिल्ली के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा ने किया है। इस फिल्म में भूमिका पेंडेकर और संजय मिश्रा के अलावा आदित्य श्रीवास्तव और सही तामलकर मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म के निर्देशक पुलकित कहते हैं, फिल्म भक्षक के माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज की कठोर वास्तविकताओं को दिखाना है, बदलाव लाने वाली बातचीत को बढ़ावा देना है। मैं इसमें और अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहा हूँ। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यशराज फिल्म की फिल्म दम लगा के हर्षा से बड़े पर्दे पर लॉन्च हुई अभिनेत्री भूमिका पेंडेकर की नई फिल्म भक्षक सीधे OTT पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भक्षक में भूमिका पेंडेकर एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है। फिल्म भक्षक एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डायरेक्टर पुलकित द्वारा निर्देशित फिल्म भक्षक एक पत्रकार वैशाली सिंह की यात्रा पर आधारित है, जो राजनेताओं की सहायता से एक शक्तिशाली व्यक्ति को बेनकाब करने के मिशन पर निकलती है, क्योंकि वह एक अनाथालय के लड़कियों का शोषण करता है। निर्माताओं का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूमिका पेंडेकर ने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है और इस किरदार में वह काफी फिट बैठी हुई लग रही है। फिल्म की कहानी एक अनाथालय पर बेस्ड है, जहां अनाथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भूमि उसका पर्दाफाश करना चाहती है, इसलिए दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। फिल्म दम लगा के हर्षा के बाद भूमिका पेंडेकर फिल्म भक्षक में एक बार फिर संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही है। वही कहती है, संजय मिश्रा मेरे लिए लकी चांस है। करियर की शुरुआत में आपकी ज़िंदगी से जो लोग जुड़े होते हैं वह आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जब गौरव वर्मा फिल्म के निर्माता ने बताया कि फिल्म में संजय मिश्रा है तो उनके साथ एक बार फिर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। फिल्म में वह एक अकेले इंसान है जो यह समझते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। फिल्म भक्षक का निर्देशक पुलकित ने किया है। फिल्म भक्षक का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन रेड चिल्ली के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा ने किया है। इस फिल्म में भूमिका पेंडेकर और संजय मिश्रा के अलावा आदित्य श्रीवास्तव और सही तामलकर मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म के निर्देशक पुलकित कहते हैं, फिल्म भक्षक के माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज की कठोर वास्तविकताओं को दिखाना है, बदलाव लाने वाली बातचीत को बढ़ावा देना है। मैं इसमें और अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहा हूँ। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यशराज फिल्म की फिल्म दम लगा के हर्षा से बड़े पर्दे पर लॉन्च हुई अभिनेत्री भूमिका पेंडेकर की नई फिल्म भक्षक सीधे OTT पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भक्षक में भूमिका पेंडेकर एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है। फिल्म भक्षक एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डायरेक्टर पुलकित द्वारा निर्देशित फिल्म भक्षक एक पत्रकार वैशाली सिंह की यात्रा पर आधारित है, जो राजनेताओं की सहायता से एक शक्तिशाली व्यक्ति को बेनकाब करने के मिशन पर निकलती है, क्योंकि वह एक अनाथालय के लड़कियों का शोषण करता है। निर्माताओं का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूमिका पेंडेकर ने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है और इस किरदार में वह काफी फिट बैठी हुई लग रही है। फिल्म की कहानी एक अनाथालय पर बेस्ड है, जहाँ अनाथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भूमि उसका पर्दाफाश करना चाहती है, इसलिए
दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। फिल्म दम लगा के हर्षा के बाद भूमिका पेंडेकर फिल्म भक्षक में एक बार फिर संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही है। वही कहती है, संजय मिश्रा मेरे लिए लकी चांस है। करियर की शुरुआत में आपकी जिंदगी से जो लोग जुड़े होते हैं वह आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जब गौरव वर्मा फिल्म के निर्माता ने बताया कि फिल्म में संजय मिश्रा है तो उनके साथ एक बार फिर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। फिल्म में वह एक अकेले इंसान है जो यह समझते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। फिल्म भक्षक का निर्देशक पुलकित ने किया है। फिल्म भक्षक का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन रेड चिल्ली के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा ने किया है। इस फिल्म में भूमिका पेंडेकर और संजय मिश्रा के अलावा आदित्य श्रीवास्तव और सही तामलकर मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म के निर्देशक पुलकित कहते हैं, फिल्म भक्षक के माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज की कठोर वास्तविकताओं को दिखाना है, बदलाव लाने वाली बातचीत को बढ़ावा देना है। मैं इसमें और अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहा हूँ। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यशराज फिल्म की फिल्म दम लगा के हर्षा से बड़े पर्दे पर लॉन्च हुई अभिनेत्री भूमिका पेंडेकर की नई फिल्म भक्षक सीधे OTT पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भक्षक में भूमिका पेंडेकर एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है। फिल्म भक्षक एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डायरेक्टर पुलकित द्वारा निर्देशित फिल्म भक्षक एक पत्रकार वैशाली सिंह की यात्रा पर आधारित है, जो राजनेताओं की सहायता से एक शक्तिशाली व्यक्ति को बेनकाब करने के मिशन पर निकलती है, क्योंकि वह एक अनाथालय के लड़कियों का शोषण करता है। निर्माताओं का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूमिका पेंडेकर ने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है और इस किरदार में वह काफी फिट बैठी हुई लग रही है। फिल्म की कहानी एक अनाथालय पर बेस्ड है, जहां अनाथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भूमि उसका पर्दाफाश करना चाहती है। इसलिए दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। फिल्म दम लगा के हर्षा के बाद भूमिका पेंडेकर फिल्म भक्षक में एक बार फिर संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही है। वही कहती है, संजय मिश्रा मेरे लिए लकी चांस है। करियर की शुरुआत में आपकी जिंदगी से जो लोग जुड़े होते हैं वह आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जब गौरव वर्मा फिल्म के निर्माता ने बताया कि फिल्म में संजय मिश्रा है तो उनके साथ एक बार फिर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। फिल्म में वह एक अकेले इंसान है जो यह समझते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। फिल्म भक्षक का निर्देशक पुलकित ने किया है। फिल्म भक्षक का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन रेड चिल्ली के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा ने किया है। इस फिल्म में भूमिका पेंडेकर और संजय मिश्रा के अलावा आदित्य श्रीवास्तव और सही तामलकर मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म के निर्देशक पुलकित कहते हैं, फिल्म भक्षक के माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज की कठोर वास्तविकताओं को दिखाना है, बदलाव लाने वाली बातचीत को बढ़ावा देना है। मैं इसमें और अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहा हूँ। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यशराज फिल्म की फिल्म दम लगा के हर्षा से बड़े पर्दे पर लॉन्च हुई अभिनेत्री भूमिका पेंडेकर की नई फिल्म भक्षक सीधे OTT पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भक्षक में भूमिका पेंडेकर एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है। फिल्म भक्षक एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डायरेक्टर पुलकित द्वारा निर्देशित फिल्म भक्षक एक पत्रकार वैशाली सिंह की यात्रा पर आधारित है, जो राजनेताओं की सहायता से एक शक्तिशाली व्यक्ति को बेनकाब करने के मिशन पर निकलती है, क्योंकि वह एक अनाथालय के लड़कियों का शोषण करता है।
निर्माताओं का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूमिका पेंडेकर ने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है और इस किरदार में वह काफी फिट बैठी हुई लग रही है। फिल्म की कहानी एक अनाथ तलय पर बेस्ड है, जहां अनाथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भूमि उसका पर्दाफाश करना चाहती है, इसलिए दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। फिल्म दम लगा के हर्षा के बाद भूमिका पेंडेकर फिल्म भक्षक में एक बार फिर संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही है। वही कहती है, संजय मिश्रा मेरे लिए लकी चांस है। करियर की शुरुआत में आपकी जिंदगी से जो लोग जुड़े होते हैं वह आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जब गौरव वर्मा फिल्म के निर्माता ने बताया कि फिल्म में संजय मिश्रा है तो उनके साथ एक बार फिर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। फिल्म में वह एक अकेले इंसान है जो यह समझते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। फिल्म भक्षक का निर्देशक पुलकित ने किया है। फिल्म भक्षक का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन रेड चिल्ली के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा ने किया है। इस फिल्म में भूमिका पेंडेकर और संजय मिश्रा के अलावा आदित्य श्रीवास्तव और सही तामलकर मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म के निर्देशक पुलकित कहते हैं, फिल्म भक्षक के माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज की कठोर वास्तविकताओं को दिखाना है, बदलाव लाने वाली बातचीत को बढ़ावा देना है। मैं इसमें और अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहा हूँ। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में यशराज फिल्म की फिल्म दम लगा के हर्षा से बड़े पर्दे पर लॉन्च हुई अभिनेत्री भूमिका पेंडेकर की नई फिल्म भक्षक सीधे OTT पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भक्षक में भूमिका पेंडेकर एक पत्रकार की भूमिका निभा रही है। फिल्म भक्षक एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डायरेक्टर पुलकित द्वारा निर्देशित फिल्म भक्षक एक पत्रकार वैशाली सिंह की यात्रा पर आधारित है, जो राजनेताओं की सहायता से एक शक्तिशाली व्यक्ति को बेनकाब करने के मिशन पर निकलती है, क्योंकि वह एक अनाथालय के लड़कियों का शोषण करता है। निर्माताओं का दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भूमिका पेंडेकर ने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है और इस किरदार में वह काफी फिट बैठी हुई लग रही है। फिल्म की कहानी एक अनाथ तलय पर बेस्ड है, जहां अनाथ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भूमि उसका पर्दाफाश करना चाहती है, इसलिए दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। फिल्म दम लगा के हर्षा के बाद भूमिका पेंडेकर फिल्म भक्षक में एक बार फिर संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही है। वही कहती है, संजय मिश्रा मेरे लिए लकी चांस है। करियर की शुरुआत में आपकी जिंदगी से जो लोग जुड़े होते हैं वह आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जब गौरव वर्मा फिल्म के निर्माता ने बताया कि फिल्म में संजय मिश्रा है तो उनके साथ एक बार फिर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। फिल्म में वह एक अकेले इंसान है जो यह समझते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। फिल्म भक्षक का निर्देशक पुलकित ने किया है। फिल्म भक्षक का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन रेड चिल्ली के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा ने किया है। इस फिल्म में भूमिका पेंडेकर और संजय मिश्रा के अलावा आदित्य श्रीवास्तव और सही तामलकर मुख्य भूमिका निभा रही है। फिल्म के निर्देशक पुलकित कहते हैं, फिल्म भक्षक के माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज की कठोर वास्तविकताओं को दिखाना है, बदलाव लाने वाली बातचीत को बढ़ावा देना है। मैं इसमें और अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद कर रहा हूँ। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 फरवरी 2024 को रिलीज होगी।